मेरा नाम शुमायला है और मैं पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी के एक स्टूडेंट हूँ। ये मैंने लास्ट वीक मंडे से ज्वाइन किया है और मुझे यहाँ पे पढ़ते हुए एक वीक हो गया है और आज संडे का दिन है। हम यहाँ पे तभी भी आए हैं पढ़ने के लिए क्योंकि हमें हमारे रिजवान सर ने बुलाया है। वो खुद हमें पढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी मेहनत करनी चाहिए, इसीलिए हम भी पढ़ना है। तो मैंने यहाँ पे बीएड की एंट्रेंस की तैयारी के लिए फिल किया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे पढ़ने से और मुझे बहुत नई चीज़ें, नए कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर हुए। मुझे पता चला किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि सर ने हमें ट्रैक रिकॉर्ड्स भी सिखाया है, सर ने हमें बताया करंट अफेयर भी आएंगे। सो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली। तो हम इसी लाइब्रेरी के और भी कुछ लोगों से पूछ करके देखते हैं कि उनको क्या कैसा लगा, उनको क्या चीज़ समझ में आई अभी तक। जी, मेरा नाम फातिमा नाज है और मैं यहाँ लास्ट संडे से आ रही हूँ। मुझे यहाँ करके बहुत अच्छा लगा है। मैं पहले मैंने 2 साल ऐसे ही ड्रॉप जैसे कर दिए थे तो मुझे कुछ इतना आता नहीं था। मैंने यहाँ ज्वाइन किया क्योंकि मुझे ETLED में एंट्रेंस देना है अपना जामिया में। सो रिजवान सर ने बहुत अच्छे से समझाया है और एक तरीके से वो ब्लूप्रिंट जो होता है ना, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी है, तो वो सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से समझ में आई हैं। इस अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं तो हमें पता चल रहा है कि हाँ, ये चीज़ें आएंगी, हमें इस पर ही फोकस करना है। ट्रक रिकॉर्ड्स हैं जैसे कि करंट अफेयर्स है और इंडियन पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ये सारी चीज़ें, अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स, इंटरनेशनल अवार्ड्स, ये सारी चीज़ें सर ने हमें बताई हैं। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है इस चीज़ से। माई नेम इज़ सुधा राहत एंड आई एम कमिंग हेयर फॉर द BEd कोचिंग। जैसा कि अभी ऑलमोस्ट 1 वीक हुआ है, मैंने यहाँ पर आकर काफ़ी कुछ सीखा एंड सबसे बड़ी बात जो है, रिजवान सर का नेचर इतना पोलाइट है, मुझे फील ही नहीं हो रहा कि मैं यहाँ सिर्फ 1 वीक से हूँ। सर की पढ़ाने की टेक्निक्स, मैथड, दैट इज़ ऑसम, सुपर। एंड सर ने बहुत कुछ पढ़ाया, लाइक नेशनल अवार्ड, लाइक जनरल नॉलेज एंड सेंसस। करंटली सर ने हमें सेंसस पढ़ाया जो कि मेरे को बहुत अच्छे से समझ भी आया। सेंसस मीन्स स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इज डेमोग्राफी। एंड इन इंडिया द लेटेस्ट सेंसस वॉज इन 2011 विच वॉज द 14th सेंसस ऑफ द कंट्री। एंड अकॉर्डिंग टू दैट सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वॉज 121 करोड़। अभी जो विधानसभा के इलेक्शन हुए करंटली 5 स्टेट्स में हुए हैं, UP, पंजाब, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड। एंड जो मतलब अगर हम पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूपी हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बिकॉज यूपी में विधानसभा की 403 सीट्स होती हैं। अब हम थोड़ी और डिटेल्स में यूपी की बात करें तो द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया इज़ यूपी एंड द कैपिटल सिटी ऑफ यूपी इज़ लखनऊ एंड CM ऑफ यूपी इज़ मिस्टर योगी आदित्यनाथ। इसी के बाद अगर सर ने हमें अभी बताया गोवा में विधानसभा की 40 सीट्स होती हैं एंड गोवा एरिया वाइज सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट होता है। और अब स्मॉलेस्ट स्टेट के बिल्कुल हम कंपैरेटिव स्टडीज़ करते हैं तो हमें पता चलता है जो मतलब लार्जेस्ट स्टेट है एरिया वाइज दैट इज़ राजस्थान एंड द कैपिटल ऑफ राजस्थान इज जयपुर विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड इज पिंक सिटी। फातिमा, अब आपने क्या पढ़ा, आप थोड़ा कुछ बताना चाहेंगी? तो मैं अवार्ड्स की बात करूँ तो मैंने सबसे पहले अवार्ड्स पढ़ा था जिसमें कि भारत रत्न अवार्ड्स इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और ये फर्स्ट फीमेल इंदिरा गांधी को दिया गया है। पहली फीमेल थी हमारी इंदिरा गांधी, जो हमारी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुकी हैं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, उनको दिया गया था। उसके बाद मदर टेरेसा को अवार्ड दिया गया है, भारत रत्न अवार्ड, लेकिन उनको पहले नोबेल प्राइज़ दिया गया था, उसके बाद भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। नोबेल प्राइज़ उनको पीस में मिला है। अगर बात करते हैं हम फर्स्ट जो थे जिनको ये मिला था, फर्स्ट लिटरेचर में मिला था, गीतांजलि लिटरेचर में मिला था, वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर, 2014 में उनको मिला है ये। एंड देन हम आते हैं नोबेल प्राइज़ पे वापस से, तो नोबेल प्राइज़ 6 फील्ड्स में मिलता है, एक पीस में मिलता है, इकोनॉमिक्स में मिलता है, लिटरेचर में मिलता है, फिजिक्स में मिलता है और मेडिसिन में मिलता है एंड केमिस्ट्री में मिलता है। एंड देन अगर हम बात करते हैं, पहले भारत रत्न अवार्ड में स्पोर्ट्स को इंक्लूड नहीं था लेकिन 2014 में स्पोर्ट्स इंक्लूड किया गया और 2014 में सचिन तेंदुलकर को सबसे पहले मिला है। और उसी में 2014 में ही मिला है, एक साइंटिस्ट थे CN Rao, जो बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, उनको मिला है भारत रत्न अवार्ड। इसी के साथ मैं कंक्लूड करते हुए कुछ फर्स्ट फीमेल्स के बारे में बताना चाहूँगी। हमारी लोकसभा की स्पीकर थी मीरा कुमार, फर्स्ट फीमेल थी, और हमारी फर्स्ट प्रेसिडेंट थी प्रतिभा पाटिल। हमारी इंडिया में दिल्ली सल्तनत पे बैठने वाली फर्स्ट फीमेल थी रज़िया सुल्तान, और हमारी इंडिया की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फीमेल थी इंदिरा गांधी, और जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है फर्स्ट पीस में वो थी मदर टेरेसा। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताते चलते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स में सबसे पहले आता है 8 मार्च, जिसको हम वुमेंस इंटरनेशनल डे बोलते हैं, 11 नवंबर, जिसको हम वर्ल्ड एजुकेशन डे बोलते हैं, और 4th ऑफ फेब, जिसको हम वर्ल्ड कैंसर डे कहते हैं, और
21 जून, जिसको हम वर्ल्ड योगा डे कहते हैं। पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी और रिजवान सर के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इस लाइब्रेरी में पढ़ने का मौका दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लाज्मा न्यूज़।